राजधानी शिमला में कभी गर्मी तो कभी ठंड, जिस कारण अस्पतालों में मरीजों की भीड़ बढ़ रही है। बच्चों से लेकर बड़े तक वायरल का शिकार हो रहे हैं। आईजीएमसी में प्रतिदिन दर्जनों बच्चे उपचार के लिए पहुंच रहे हैं। आलम यह है कि 98 बेड पर 108 बच्चे दाखिल हैं। वायरल सक्रिय होने पर इस संबंध में आईजीएमसी के प्रशासनिक अधिकारी डॉक्टर राहुल गुप्ता ने लोगों को सावधानी बरतने के निर्देश दिए। देखिए, जो आईजीएमसी में हमारा चिल्ड्रन वार्ड है, वहाँ पे 98 बेड्स का जो है वो टोटल कैपेसिटी है, और आज की तारीख में 108 पेशेंट जो है वो हमारे पास अलग अलग तरह की बीमारियों के जो है वो एडमिटेड हैं बच्चे। और जो फीवर है, फीवर एक कॉमन जो सिम्टम है पेशेंट्स में रहता है, और लगभग जो 17 या 18 बच्चे जो हैं इस वक्त फीवर के साथ जो है वो मैनिफेस्टेशन के साथ हमारे पास आए थे और उनको दाखिल किया गया। जो आपका सवाल है कि इस सीज़न में क्यों, तो एक तो जैसे सबको मालूम है कि जो कोविड है, कोरोना जिसको हम कॉमन भाषा में बात करते हैं, तो ये ग्लोबल एपिडेमिक जो है वो डिक्लेयर हुआ था अप्रैल 2020 में। तो आज की तारीख में जब भी कोई पेशेंट हमारे पास फीवर का आता है, सर्दी खांसी जुकाम होती है, तो उसको हम कोरोना के लिए सबसे पहले जो है स्क्रीन करते हैं। तो जो इस वक्त तो अच्छी बात ये है कि ये जो बच्चे हमारे पास फीवर के हैं, ये कोविड नेगेटिव हैं सारे, इनमें कोरोना के जो हैं वो टेस्ट नेगेटिव आए हैं। और जहाँ तक फीवर की बात है कि आज के मौसम में क्यों, तो एक बात सामान्य तौर पे देखी जा सकती है कि जो गर्मी सीजन शुरू होता है, इसके साथ थोड़ी सी डाइटरी हैबिट जो है वो बदलती है। मेरा बोलने का मतलब है कि रेफ्रिजरेशन, जो रेफ्रिजरेटेड आइटम्स हैं, जैसे ठंडा पानी है फ्रिज का, या आइसक्रीम खाना, या फिर ये गोल गप्पे वगैरह इनका सेवन करना जिसमें खटास वगैरह ज़्यादा रहती है, तो अक्सर ये पाया गया है कि बच्चे, जितने भी हमारे छोटी आयु वाले बच्चे होते हैं, तो ये जो ठंडी चीज़ें रेफ्रिजरेटेड वाली आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, फ्रिज का ठंडा पानी, ये जब भी पीते हैं तो उनका गला वगैरह ख़राब होता है। तो ये सारे वायरल इन्फेक्शंस होते हैं। तो वायरस कोरोना ही नहीं, और भी वायरस होते हैं, इन्फ्लुएंजा होता है। तो ये बेसिकली वायरल, हम एक कॉमन भाषा में पेशेंट को समझाने के लिए वायरल फीवर बोलते हैं, और उसमें हाई ग्रेड फीवर आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।